आप सभी को योगाचार्य डॉक्टर ब्रिज मोहन मैं इस प्रातः वेला में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग आ गए हैं अपने जन्मभूमि पर। यहां आप जो देख रहे हैं और ये घरेलू बागवानी है, बिल्कुल ही ऑर्गेनिक, जिसमें कोई खाद का प्रयोग और कोई कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता। छोटे छोटे आप देखेंगे, यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए ये चना है, क्योंकि आजकल चना जो बाज़ार में आ रहा है, इसको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि इसके साग भी बनाते हैं। और बड़ा होने पर ये चना जब ये पुष्पित फलित फलित होगा तो ये इसको दाल बना करके घुगनी बना के लोग खाते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये जो है इसको कहते हैं मकोए। यदि किसी व्यक्ति को क्या होता है कि जैसे हेपेटाइटिस बी हो जाए और ये जैसे एसीपीटी बढ़ जाता है, तो इसके तने को उखाड़ करके और इसके जड़ को पीस करके और इसे चार चार चम्मच सुबह शाम खाली पेट में ले लिया जाए, तो ये बहुत ही लाभकारी अभ्यास है ये फैटी लीवर के लिए, लीवर के लिए। और यहाँ ये बथुआ देख रहे हैं, ये तो ज़बरदस्त है। पूरा देखिए, बथुए का पूरा बगीचा है, क्यारी लगी हुई है। और ये शरीर को एनर्जी के लिए और ये हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसलिए बथुआ का साग का प्रयोग हमें, ये देखिए चना, छोटे छोटे क्यारियों में चना को किस तरह से रोपा जाता है, लगाया गया है। और ये अब क्योंकि इसको सुखाना भी पड़ता है ज़मीन को और उसको भिगाना भी पड़ता है, दोनों प्रक्रियाओं के साथ ही कार्य चल रहा है। और ये छोटे छोटे जगहों पर किस प्रकार हम अपने जो अब मकान देख सकते हैं, देखिए मकान, देखिए ये मकान है और मकान के जो पानी निकलता है, जो वेस्टेज वाटर है, उसको हम कैसे इसे यूज करते हैं और पानी बर्बाद नहीं हो, उसे हम फसल बना करके, उसे हम खेती करके और हम उसे अपने जीवन यापन को या जो घरेलू जो दैनिक जो किचन में प्रयोग होने वाले जो जो साग सब्जियाँ हैं उसे में प्रयोग कर सकते हैं। कैसे यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती, बिल्कुल ही गोबर डाल करके, क्योंकि गोबर भी देख सकते दीवार पर लगा हुआ है। और उधर मैं गौ माता को भी बाद में दिखाऊंगा आपको, तो आप सबसे निवेदन है कि आप भी यदि घर में हैं तो आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं।